नमस्कार दोस्तों, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपके बीच में जो एक स्टोरी लेकर आया, और ये मैं पहली बार प्रोग्राम आपके बीच में चला रहा हूं। आखिर वो स्टोरी है क्या, उस स्टोरी का नाम क्या है? उस स्टोरी का नाम है सैया सनम प्रेम कथा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आप क्यों कहना चाह रहे हैं? तो चलिए आइए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर ज्यादातर लोग लालच में डूबे हुए हैं, ज्यादातर लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। आइए जान लेते हैं उसके बारे में। इसे गौर से सुनिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस एपिसोड को आप पूरा देखते हैं तो आपको वाकई में एक जीने का रास्ता मिलेगा, और जो आपका गलत रास्ता है वो गलत रास्ता छोड़कर एक अच्छे मार्ग पर आप चल सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी, आपका भाई। आपके बीच में मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि आपके बीच कुछ ऐसा लेकर आऊं जो वाकई में आपको लगना चाहिए कि सच में आपके जीवन में बदलाव करने वाला ये एक वीडियो है। लालच की अगर मैं बात करूं तो लालच कई तरीकों का होता है। एक लालच वो होता है कि जब व्यक्ति मोबाइल खोलता है, यदि किसी महिला को देखा, यदि किसी बच्चों को देखा या किसी लड़की को देखा, यदि उसका थोड़ा सा बदन खुला दिखा तो उसको भी लालच कहते हैं कि व्यक्ति उस पर मोहित होने लगता है। वो भी एक लालच है, और जिस लालच की वजह से अच्छे अच्छे लोग रोड पर आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इस लालच को आपको त्यागना पड़ेगा। अपने दिमाग पर इतना जोर रखो, इतना कंट्रोल रखो कि ऐसे लालच को लात मारिए। क्योंकि इसलिए याद रखना, यदि आप पैसों का लालच करते हैं, यदि आप पैसा या किसी लड़की के पीछे भागते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं अपने परिवार के साथ और अपनों के साथ। क्योंकि जब आप इन दोनों के पीछे भागोगे तो आपके हाथों में कुछ भी नहीं लगने वाला। लेकिन यदि आप अपनी तरक्की यानी करियर के पीछे भागोगे, अपने गोल के पीछे भागोगे, यानी आपका टारगेट है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपका टारगेट है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मैं आपसे वादा करने आया हूं, यदि टारगेट के पीछे भागोगे तो टारगेट आपको अवश्य मिलेगा, 110% मिलेगा। और जब आपका टारगेट आपको मिल जाएगा तो छोकरी भी होगी और पैसा भी आपके पास होगा। लेकिन अगर इन दोनों के पीछे भागोगे तो आपके पास आपका करियर नहीं होगा, बल्कि मां बाप के जो बड़े बड़े सपने हैं वो सपनों को आप चकनाचूर कर देंगे। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज मैं देखता हूं कि लोग दीवाने हो गए हैं किसी औरतों के चक्कर में, किसी लड़कों के चक्कर में, किसी लड़कियों के चक्कर में। ये महिला पुरुष दोनों के लिए बोल रहा हूं। कुछ महिलाओं को मैं देखता हूं उनको चैन नहीं पड़ता जब तक चार मर्दों से वो मुलाकात ना कर ले। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जब तक वो चार जगह मुंह नहीं मारेंगे तो उनको मजा ही नहीं आता है। आप देख लीजिएगा, अगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये जमाने की सच्चाई बता रहा हूं। खासकर शहरों में अक्सर आप देखिएगा, गांव क्षेत्र में है लेकिन उतना नहीं है, शहरों में देखिएगा कि अगर एक लड़की एक बॉयफ्रेंड रखती है तो आने वाले समय में वो कम से कम दो चार तो करती ही करती है। मैं सभी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूं, कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूं, करती हैं। क्योंकि दूसरे से कहेंगी बाबू सोना मेरा तो कोई है ही नहीं, फिर दूसरे से कहेंगी तो मेरा कोई है ही नहीं। ऐसी लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं अपने जीवन में, बल्कि अपना खुद स्वयं वो गड्ढा खोदती हैं और लास्ट में बोलती हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती। यदि लड़कियों ने इस पर सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में लड़कियों को नौकरियां वाकई में नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि इसलिए नहीं मिल पाएंगी क्योंकि लड़कियां जहां भी नौकरी करने को जाती है ना, तो वहां पर क्या क्या रंगरलियां होती हैं यह आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले लड़कियों को भी और लड़कों को यह सावधानी बरतनी होगी कि यदि अगर भागना है तो टारगेट के पीछे भागिए। यदि ये लड़काबाजी और लड़कीबाजी में भागोगे तो आप अपने करियर को सत्यानाश में कर लेंगे। मैंने जो कहानी का नाम दिया है सैया सनम प्रेम कथा, आइए जान लेते हैं। मान लो कोई एक लड़का है और ऐसा समझ लो, यदि आप हैं
आपके पास में कोई ऐसी फीमेल आती है जिसका ना तो रूप है ना स्वरूप है और हालात भी इतने बदतर कि फटातन पे कपड़ा और गंदा मैला कुचैला कपड़ा, आप यदि पिता की कमाई पे अगर आप फल रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको तरस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने सच में गरीबी को देखा होगा, आप भी अगर किसान पुत्र हैं तो आपको ऐसे लोगों पे तरस आएगा, और जब आपको तरस आएगा ना तो आप क्या करोगे, उसकी मदद करोगे। इसी तरह से यदि आपने उसकी मदद की, वो व्यक्ति जब आया था उस समय उसको कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था ना कोई पारिवारिक लोग इतने थे, कोई भी नहीं पूछने वाला था, जीता जागता सबूत और जीता जागता प्रूफ। वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति मान लो आपने उसको सपोर्ट किया, ना उसका शकल था ना उसका सूरत था, आप सोचिएगा मेरी बात को, आपने उसे सपोर्ट किया, किस लिए किया, एक मानवता के नाते किया, एक इंसान के नाते किया, लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, अपना कार्य करता रहा, भले कुछ ना बदला हो लेकिन शरीर बदला, माहौल बदला और दुनिया में अच्छे अच्छे सैया जी भी दिखने लगे। वो व्यक्ति जिसने मदद की, वो व्यक्ति आप यकीन मानिए कि खुद भूखा रह सकता लेकिन उस व्यक्ति को भूखा नहीं रखता, खुद फटे कपड़े पहन सकता उसको नहीं रखता, क्योंकि एक मानवता है ना, ये जो दिल है, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके अंदर इतना दिल कोमल होता है कि उस कोमल दिल की वजह से बेचारे मदद बहुत करते हैं लोगों की जितना हो सकता है, और करते रहे करते रहे। अब सनम तो बेवफा हो गई, सनम कैसे बेवफा हो गई, देखिए यहां पर लव प्यार का चक्कर नहीं था, यहां पर चक्कर था सिर्फ मानवता का। ध्यान से सुनिए इस कहानी को, मानवता को शर्मसार करने वाले भी ऐसे लोग इस जमाने में हैं, इसी को तो खत्म करना हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो सके। और वो व्यक्ति क्या करता है, साल दो साल तीन साल बाद इधर उधर जैसे उसकी शकल सूरत थोड़ा चिकनी होने लगती है, चेहरा साफ होने लगता है, जैसे ही देखते शरीर अच्छा होने लगता है, आप सोचिए फिर उस व्यक्ति को चार लोग पहचानने वाले मिल जाते हैं, चार लोग हालचाल लेने लगते हैं, हो का हो भैया क्या हालचाल है, बहुत बढ़िया, मतलब शुरू में कोई नहीं था, जब इस वदन में चिकनाहट सी आ गई तो समझ लीजिए कि चार लफंगों की एंट्री हो जाती है। उन लफंगों को देखकर अगर आपने मना कर दिया तो आपकी दुश्मनी तक हो जाती है। उसके बाद क्या, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मान लो आपने उस व्यक्ति की मदद की थी, लेकिन कुछ समय के बाद एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती है जिसको व्यक्ति सैया मान लेता है, यानी अपना पिया मान लेता है। व्यक्ति सपना दिखाता है, व्यक्ति कहता है, लगभग पांच छह साल के बाद की बात कर रहा हूं, सपना दिखाता है, सपना क्या दिखाता है, तुम्हारे लिए बड़ा बिल्डिंग खरीद दूंगा, तुमको रानी बना दूंगा, इतना बड़ा रानी बना दूंगा कि इस देश पर तुम राज करोगी। ऐसे सपने दिखाने वाले लोग आपके आसपास भी होंगे, है या नहीं है आप बता दीजिए। सपना देखकर सनम पागलों की तरह दीवानी हो गई और अपने सैया से मिलने के लिए तड़प भी रही, धीरे धीरे तड़पन इतनी खतरनाक थी कि ना तो अच्छे से बोलना ना अच्छे से चलना, और धीरे से सैया जी के पास हो ली। सैया जी के साथ बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है यह तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने यदि आपने सच में अगर मानवता रखी होगी, यदि आपने सच में उस व्यक्ति के लिए आपने अच्छा किया होगा, तो आज नहीं तो कल वो वक्त जरूर आएगा कि वो वक्त वो व्यक्ति आपके पास पड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखना, ऐसी कंडीशन अगर कभी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को माफ मत करना जीवन में, क्योंकि ये वही व्यक्ति होते हैं कि जब शुरू में कोई साथ नहीं देता और जब जरा सा भी आगे बढ़ने की चेष्टा बढ़ी, शरीर में चिकनाहट बढ़ी,
75 लोग पीछे घूमने लगे, तब सब सपने दिखाने लगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों का सपना पूरा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई है कि लोग हमेशा गंदी भावनाओं से ही प्रेम करते हैं, और सपना दिखाने का मात्र फंडा होता है आपके जिस्म से खिलवाड़ करना। लेकिन 80% लड़कियां और 80% लड़के इस बात को नहीं समझ पाते गहराइयों से। जिस दिन आप समझ गए तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, मैं वादा करता हूं। हमेशा याद रखो, क्यों नहीं मदद करते हैं लड़कियों की लोग, क्यों नहीं मदद करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि शुरू में तो कोई नहीं किसी का दिखता है, लेकिन जैसे उस व्यक्ति को आगे आपने बढ़ाने का प्रयास किया, यदि उसके अंदर चमक दमक कुछ भी दिख गई तो वह व्यक्ति आपको लात मारेगा, इसमें कोई शक नहीं। यदि आपके साथ भी ऐसा है, आप भी किसी की मदद कर रहे हैं 2-4 साल से, तो सावधान होकर करिएगा, क्योंकि याद रखना गद्दारी किसके दिल में भरी है ये आप देख नहीं सकते, ये आप पहचान सकते हैं। पहचान आप तब सकते हैं उस व्यक्ति के हाव भाव और चाल चलन को देखिए। यदि वो व्यक्ति शुरू में जिस तरह से आपसे वार्ता करता था, जिस तरह आपको सपोर्ट करता था, यदि आने वाले समय में कुछ साल के बाद वो व्यक्ति आपको सपोर्ट ना करके आपसे कम बात करे, आपको इग्नोर करने लगे, तो समझ लो कि आप धोखे के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों से सावधान रहना, वरना आप अपने करियर को डुबा सकते हैं। संभलने वाले संभल सकते हैं और डूबने वाले डूब जाएंगे, आपको सावधान रहना होगा। ये जो मैंने एपिसोड बनाया है, ये सिर्फ इसलिए बनाया है, जाने कितने लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों के प्रति भाव रखते हैं कि इसकी मदद कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, लेकिन लोग चंद सपनों की वजह से और अपने संयादी के वजह से भाग खड़े होते हैं और दूसरों को बदनाम भी कर देते हैं कि हम तो इस वजह से भागे जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है समाज में, इस पर थोड़ा सावधान रहिएगा। यह कैसी लगी आपको कहानी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों तक जो जरूरतमंद है, और खासकर युवा भाई और खासकर जितनी युवती लड़कियां हैं, आप लोगों को इसको गंभीर रूप से देखना चाहिए और इस पर सुधार करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि वीडियो अगर इस तरीके का अच्छा लगा तो आपके हर सवाल का जवाब इसी तरह से देने का प्रयास करूंगा। कमेंट ठोको। जय हिंद, जय भारत।